हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो अभी 13 जुलाई को नोटिस आया है, कि मतलब 13 जुलाई को होगा, 13 जुलाई से शुरू होगा, तो उसी की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल क्विक रिवीजन आप लगा लीजिए, क्योंकि आप तैयारी तो कर ही चुके होंगे, तो बस आपको एक रिवीजन ही करनी है, उसी के लिए ये क्लास है। बहुत स्पीड से मैं ये स्टैटिक जीके जो है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कंप्लीट सारा सिलेबस हम बहुत स्पीड से करेंगे, ताकि आपकी बस रिवीजन हो जाए। तो भाई, ये मैं आपकी सारी क्लासेस लूँगी कंप्लीट जीके की। ये आपकी फर्स्ट क्लास है रेलवे ग्रुप डी की, जिसमें आज मैं आपको इस क्लास में कराने वाली हूँ भाई स्टैटिक जीके, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम विविध। आज जो हम पढ़ेंगे वो है संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो क्या है, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। अगर मैं रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस देखूं तो भैया आपकी जो जनरल साइंस है वो आएगी 25 मार्क्स की, 25 नंबर की। आपका जो मैथ्स है वो आएगा भाई 25 नंबर का। आपकी रीजनिंग आएगी भाई 30 नंबर की। और भैया आपका जो जीके है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स वगैरह, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब आएंगे भैया आपके 20 मार्क्स के। तो 30 मार्क्स का तो आपका मैथ्स और रीजनिंग, 50 मार्क्स का तो मैथ्स और रीजनिंग ही है। तो भाई ये पूरा आपका 100 मार्क्स का हो गया है। स्टार्ट करते हैं भई हम अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई भई अमेरिका के अंदर। किसने की भई इसकी स्थापना? अमेरिका के उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट ने की थी। ये कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का जो नाम है वो अमेरिका के उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट ने नाम दिया था इसको। इसकी जो रूपरेखा है उसका निर्माण करने के लिए जो बड़े बड़े राष्ट्र थे उनके प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन में भाग लिया, और वो जो सम्मेलन था वो हुआ भाई 21 अगस्त 1944 से लेके 7 अक्टूबर 1944 तक, और ये हुआ भाई आपका वॉशिंगटन में। 7 अक्टूबर 1944 तक कहाँ हुआ? वॉशिंगटन में। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो भाई 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई भाई उस टाइम पे जो संस्थापक देश थे उनकी संख्या थी 51। 21 जून 1945 को जब अधिकार पत्र पर साइन हुए तो उस टाइम सिर्फ 50 देशों ने साइन किए थे। 51वां जो देश था वो था भाई पोलैंड। कौन सा था? पोलैंड। ठीक है, 51 संस्थापक देश थे, 50 ने साइन किया, बाद में 51वां पोलैंड था। अगर मैं वर्तमान में बात करूं, वर्तमान में कितने सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 193 है, और 193 है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर के अंदर। और भाई अगर बात करूं मैं इसके भवन की, तो ये 17 एकड़ जमीन में बना हुआ है, 39 मंजिल का है, और कौन से द्वीप पर है? ये न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। जो इसकी ये जो 17 एकड़ की जमीन है ये जॉन डी रॉकफेलर नाम के आदमी ने दान दी थी। किसने? जॉन डी रॉकफेलर, ठीक है, ने दान दी थी ये जॉन डी रॉकफेलर ने। इसका जो हेडक्वार्टर है भाई ये 1952 में बनकर तैयार हुआ था, और अक्टूबर 1952 में पहली मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई थी। फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक कब हुई थी? अक्टूबर 1952 में ये जो यहाँ ये जो हेडक्वार्टर बना था मैनहट्टन द्वीप पर, इसमें हुई थी।
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो है भाई हल्की नीली। क्या है? हल्की नीली है। और उस पर जो सफ़ेद रंग का ना एक राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। कैसे रंग का? सफ़ेद रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और वो राष्ट्रीय प्रतीक है क्या? तो इसमें भाई दो जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं। क्या है? दो जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर की तरफ खुली हुई हैं और इसके बीच में वर्ल्ड का मैप है। क्या है? विश्व का मानचित्र जो है इसके बीच में है। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं की। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। तो भाई दो तो यहाँ पर कामकाज की कार्य की भाषा है। कौन कौन सी है? कार्य की भाषा दो है। और कौन कौन सी है? एक तो है भाई आपकी इंग्लिश अंग्रेज़ी और दूसरी है भाई आपकी फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच। इसके अलावा जो भाषाएं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी है वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो भाई वो भाषाएं हैं आपकी जो अन्य भाषाएं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी है जिनको, वो हैं आपकी एक तो चीनी, रशियन, फिर अरबी और भाई स्पेनिश। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। इसके बाद बारी आती है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। अच्छा, घोषणा पत्र के जो संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र है उसके अनुच्छेद 17 में बजट का वर्णन है। किसका वर्णन है? बजट का। इसका जो अनुमोदन करता है ना, इस बजट को जो अनुमोदित करती है उसकी जिम्मेदारी है भाई महासभा की। किसकी जिम्मेदारी है? महासभा की। और जो बजट मतलब क्या होता, पेश करता है बजट, वो कौन करता है? महासचिव पेश करता है बजट को। अब बात कर लेते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग कितने हैं। तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। अभी हम बात करते हैं महासभा की। जो महासभा है उसके अंदर, जिसको हम जनरल असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में, महासभा के अंदर भाई सभी देशों के प्रतिनिधि जो इसके सदस्य देश होते हैं, ठीक है, जितने भी इसके सदस्य देश हैं वो उसके प्रतिनिधि महासभा के अंदर शामिल होते हैं। इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। अगर पेपर में आ जाए विश्व की लघु संसद कौन है, तो वो है महासभा। ठीक है, हर देश से 5 सदस्य प्रतिनिधि शामिल होते हैं लेकिन उनका वोट एक ही माना जाता है। ऐसा किस लिए होता है भाई? मान लो एक आदमी अलग डिसीजन ले ले तो 5 आदमी फिर उनकी वोटिंग आपस में बात करके फिर उनकी एक ही वोट मानी जाती है। और इसके अगर मैं काम की बात करूँ महासभा के, तो शांति सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर ये काम करती है महासभा आपकी। इसके अलावा भाई ये नए सदस्य का चुनाव करती है। भाई नए सदस्य कौन एंटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इसके प्रवेश बजट भी यही बनाती है महासभा। 2/3 बहुमत चाहिए नए सदस्यों के प्रवेश और बजट के लिए। इसके अलावा भाई जो है जो नियमित सत्र होता है वो हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। कब होता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। ठीक है, कब तक चलता है? दिसंबर के मध्य तक चलता है। जब भी नया सत्र शुरू होता है भाई उस टाइम पर महासभा का एक नया अध्यक्ष, ठीक है, नया अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और साथ में महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। किसका? महासभा की जो मुख्य 7 समितियां हैं ना उनके अध्यक्षों का भी चुनाव होता है। ये सारा काम महासभा करती है। ठीक है, इसके अलावा भाई और क्या काम है महासभा के? ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश है उसका चुनाव भी यही करती है महासभा। ठीक है, पर ना ये चुनाव जो है
सुरक्षा परिषद की संतुति पर किया जाता है। सुरक्षा परिषद बोलती है भाई इसे बनाना न्यायाधीश, तब महासभा उसे न्यायाधीश नियुक्त करती है, ठीक है। और भाई नए देशों की सदस्यता, अभी कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये भी महासभा डिसाइड करती है। महासचिव की नियुक्ति भी कौन करती है, महासभा करती है। और राष्ट्रसंघ का बजट पारित करने का काम भी, और इसके लिए कितना बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए, ठीक है भाई। 2021 में महासभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे 73वें सत्र के, वो चुने गए थे अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है भाई। ये मैंने आपको एक क्विक रिवीजन करा दिया है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए इतना ही करा रही हूँ, फिर बोरियत भी होने लगती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।